नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का है और इसमें थोड़ा केटीजी और थर्मोडायनामिक्स का मिक्स हो जाएगा। वन मोल ऑफ द मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, तो एन इक्वल्स टू वन मोल है पहली बात तो, और मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा इज इक्वल्स टू वन प्लस टू बाई एफ, ये टू बाई थ्री दैट इज इक्वल्स टू फाइव बाई थ्री, वी हैव टू यूज दिस। और ये इसका साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर और फोर से वन, और हमसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस वन टू, वन टू और थ्री फोर में हीट ट्रांसफर, वन टू और टू थ्री में हीट ट्रांसफर। सो हमारे पास में इस साइक्लिक प्रोसेस में चार जो स्टेप है उसमें से तीन में तो हमसे हीट ट्रांसफर पूछ ही रखा है उसका रेशियो, और फिर एक वर्क डन पूछ रखा है, तो हम चारों में हीट ट्रांसफर, हीट जो उसमें ट्रांसफर हुआ है वो चारों प्रोसेस के लिए निकाल लेते हैं। और चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो वर्क डन के लिए हम डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू कर लेंगे, और डी यू को हम क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो जो टोटल हीट आएगा डी क्यू दैट विल प्रोवाइड अस डी डब्ल्यू, तो हम उससे ये कर लेंगे। अच्छा, तो इसमें एक चीज देखने की है कि ये जो वन से टू का जो प्रोसेस है इसमें अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप आ रहा है यहाँ पे कितना, देखो वन से टू के प्रोसेस में स्लोप आ रहा है वी नॉट बाय टी नॉट, यहाँ पे वी नॉट और ये टी नॉट, और इसको अगर मैं यहां से यहां ओरिजिन पे मिला दूं इधर तो ये भी आ रहा है कितना, वी नॉट बाय टी नॉट, इसका मतलब ये लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो वन टू जो है वो एक आइसोबारिक प्रोसेस हो गया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें एडियाबेटिक नहीं है, इसमें आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस है। इवन ये जो थ्री फोर है इसमें भी अगर आप देखें ये यहाँ से ओरिजिन से पास होगा, ये आप स्लोप से देख सकते हैं, इसमें स्लोप है वी नॉट बाय टी नॉट बाय टू, और यहाँ पे भी स्लोप कितना है, यहाँ पे भी है स्लोप वी नॉट बाय टी नॉट बाय टू। सो इसका मतलब ये हो गया कि वन टू प्रोसेस जो है वो हमारे पास में आइसोबारिक है, थ्री फोर भी आइसोबारिक है, और वन फोर और टू थ्री आइसोकोरिक प्रोसेस है। इन सब के लिए हीट कैलकुलेट कर लेते हैं, सो डी क्यू डेल्टा क्यू फॉर वन टू प्रोसेस, वन टू प्रोसेस में देख रहे हैं। आइसोबारिक में हीट की बात करें, आइसोबारिक में हीट जो होगा एन सी पी डेल्टा टी, ओके इसको लिख सकते हैं एन आर गामा अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी, ओके एन हमारे पास वन मोल है, ठीक है, और गामा आर को आर की जगह रहने दें, गामा जो है हमारे पास में यहाँ पे है फाइव बाई थ्री, ओके डिवाइडेड बाय ये गामा माइनस वन टू बाई थ्री, और डेल्टा टी वन से टू में डेल्टा टी हो जाएगा कितना, टी नॉट प्लस का, तो ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा ये फाइव बाई टू आर T 5 by 2 R T naught, so plus में यही involve calculate कर लिया हमने इसमें। Second thing delta Q हम 2 से 3 के लिए ले लें, 2 से 3 की जो process है वो जो है isochoric process है, और उस isochoric process में N C V delta T, तो N R upon gamma minus 1 C V का value रख दिया, N हमारे पास 1 है, R की जगह R रह जाएगा, delta T देखें आप 2 से 3 process में delta T कहाँ है, 2 से 3 process में delta T जो है T naught है, so this one is T naught and gamma minus 1 is 2 by 3, so finally this is 3, okay 2 से 3 process में एक और चीज देखें, ये यहाँ से यहाँ तक temperature क्या हुआ, decrease हुआ है, so ये minus में आ जाएगा final minus initial, so minus 3 by 2 R T naught, okay। अब हम वापस बात करते हैं 3 से 4 process की, तो 3 से 4 process जो है ये वापस कैसा है, isobaric process है, और temperature क्या हो रहा है, decrease हो रहा है, तो ये हो जाएगा N C P delta T that is n gamma r upon gamma minus 1 delta t, n की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ से 5 by 3, और इसको रख दिया यहाँ से 2 by 3, और r और delta t देख लें, 3 से 4 process, 3 से 4 process में delta t जो है decrease हुआ है, तो minus का t naught by 2, 3 से 3 cancel, तो ये आ जाएगा minus 5 by 4 r t naught, okay। last में हम देखते हैं 4 से 1 process के लिए, 4 से 1 process देख लें यहाँ पे, 4 से 1 प्रोसेस जो है आइसोकोरिक है, तो एन सी वी डी टी एन आर अपॉन गामा माइनस 1 और डेल्टा टी, ओके डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो डेल्टा टी देखो यहाँ से ये 4 से 1 जा रहे हैं, हम 4 से 1 जा रहे हैं, दैट इज टी नॉट बाई 2, सो दिस इज टी नॉट बाई 2 पॉजिटिव, एन 1 है, तो ये हो जाएगा आर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1 इज 2 बाई 3 और टी नॉट बाई 2, सो ये हो जाएगा 3 आर टी नॉट बाई 4, सो फाइनली We have heat in each process involved. और अब हमसे ratio पूछा है, देखिए first में पूछा है 1-2 और 3-4 का ratio. ये रहा 1-2 और ये रहा 3-4. ये इनका ratio पूछा है, इनका ratio अगर हम लेने जाएंगे, अच्छा mode में पूछा है तो RT0 से RT0 cancel, 5 से 5 cancel, तो 2:1 आ जाएगा, जबकि 1:2 दे रखा है, ये सही नहीं है,
ठीक है, रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर इन 1, 2 एंड 2, 3, 1, 2, 1, 2 ये रहा और 2, 3, 2, 3 ये रहा, इन दोनों का रेशियो लिख रहे हैं, इन दोनों के रेशियो में RT नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास में 5/3, इनका रेशियो आ गया 5/3। और वर्क डन हमसे पूछा है तो वर्क डन जो है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ओके साइक्लिक प्रोसेस है तो ये जीरो हो गया, तो डेल्टा W ही डेल्टा Q के इक्वल है और डेल्टा Q हमने टोटल निकाला है तो ये 1, 2, 3, 4, 1 प्रोसेस का डेल्टा Q लगाना है। इस सबको सम कर लेंगे हम और इन सबको सम करने पे, चारों हीट का सम करने पे हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा एंड दैट नेटवर्क इज वॉट हाफ RT, सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। और फोर्थ हम वैसे ही कह चुके हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सो वी हैव टू ऑप्शन करेक्ट, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन है, चार्ज शेल ऑफ द रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू एंड गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सिलेंडर सर्फेस ऑफ द हाइट एच रेडियस आर विद इज सेंटर सेम एज दैट ऑफ द शेल एंड द सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सर्फेस। सो इस क्वेश्चन में हमें एक तो सिलेंडर दे रखा है और सिलेंडर का ये एक्सिस है, एक्सिस पे ये मिड वाला जो पॉइंट है इसको सेंटर डिफाइन किया गया है और एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का भी एक सेंटर डिफाइन किया गया है। अब हमें स्फीयर पे तो चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, स्फीयर पे चार्ज कितना दे रखा है कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है, रेडियस स्फीयर का कितना दे रखा है आर दे रखा है। हमसे कहा गया है कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर का हाइट तो एच है और रेडियस जो है उसका स्मॉल आर है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को इसके साथ में एडजस्ट किया गया, दोनों के सेंटर जो है कॉन्साइड किए गए और उसमें हमें चार कंडीशन दे रखी है, इन चारों कंडीशन में हमें सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट में देखिए h इज ग्रेटर देन 2r, मतलब सिलेंडर का हाइट जो है 2r से ज्यादा है, ठीक है, और रेडियस जो है सिलेंडर का वो r से कम है, तो सिचुएशन कैसी बनेगी फर्स्ट में सिचुएशन ऐसी बन जाएगी ये, ठीक है, ये ऐसी एक सिचुएशन बन गई, ये सेंटर दोनों के कॉन्साइड हो गए। अब हमसे पूछा है कि सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स कौन सा है, सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा उसमें इस चार्ज का और इस चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि यही चार्ज जो है जो सिलेंडर के अंदर की ओर है, बाहर वाले चार्ज से तो फ्लक्स होता नहीं है, गॉस थ्योरम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, ये जो रेडियस दे रखा है, ये सिलेंडर का रेडियस हमें कितना दे रखा है 4r/5, ओके, और यहाँ पे ये तो स्फीयर का रेडियस हो गया। यहाँ पे हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट काम में ले लें, ठीक है, और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट काम में लेने के लिए हमने इसको थीटा कंसिडर कर लिया, ये जो थीटा हो जाएगा तो यहाँ से साइन थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस दैट इज 4/5, तो थीटा जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 53 डिग्री का, ये 53 होगा तो ये भी पैरेलल लाइंस में ये भी 53 हो जाएगा और ये भी 53 हो जाएगा। तो इस सरफेस का यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल है ये 2π 1 - cos θ, तो cos यहाँ पे हमने 53 रख दिया, 1 - cos 53, 3/5 हो जाएगा और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 2 to the 4π/5, ये सॉलिड एंगल आ गया। अब इस सॉलिड एंगल की वजह से जब हम फ्लक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो फ्लक्स फाई जो हो जाएगा, हमें मालूम है कि पूरे स्फीयर का जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4π और 4π से जो फ्लक्स जाता है वो जाता है q/ε0, ठीक है, और q/ε0, तो यूनिट सॉलिड एंगल से 4π ε0 हो जाएगा और हमारे पास में सॉलिड एंगल जो है इसका कितना था 4π/5, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ये वाला चार्ज कंसिडर किया, इसका फ्लक्स आया, इसका भी इसी तरीके से आ जाएगा, तो एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 2q/5ε0। तो सी इसमें q/5ε0 दे रखा है तो ये करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में h is greater than 2r, मतलब हाइट तो बाहर तक ही जा रही है और r is 3r/5, ये 3r/5 है, अगर ये 3r/5 है तो इसमें ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 3r/5 तो ये 3/5 हो जाएगा, ये जब 3/5 हो जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा तो यहाँ पे 37 आ जाएगा तो ये 4/5 हो जाएगा, तो ये 2 times या 1 times आ जाएगा तो ये 2π/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2π/5 हो जाएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो 4π, तो ये q/5ε0 रहेगा, सेम मेथड था तो हमने कहा कि इसमें ये सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट चला जाएगा। फिर हम बात करें h is greater than 2r and r is greater than r, अब देखिए सिलेंडर का रेडियस भी ज़्यादा है, सिलेंडर का हाइट भी ज़्यादा है, ठीक है, और सिलेंडर का रेडियस भी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है स्फीयर पूरा का पूरा अंदर आ गया, अगर स्फीयर पूरा का पूरा अंदर आ गया तो टोटल चार्ज सिलेंडर के अंदर है तो टोटल फ्लक्स जो होगा φ = q/ε0 हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट ऑप्शन में एच छोटा है किससे, 2r से छोटा है, और r भी जो है 3r/5 यानी कि 0.6r, तो कैपिटल r से छोटा है, तो ये फोर्थ केस में जो सिलेंडर है वो पूरा का पूरा सिलेंडर स्फीयर के अंदर आ जाएगा
तो चार्ज तो बाहर रह जाएगा, अगर चार्ज बाहर रह गया तो इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ द टू मटेरियल विद द रिफ्लेक्ट इंडेक्स एन वन एंड एन टू एज शोन इन द फिगर, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट स्फेरिकल सरफेस आर इक्वल इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज व्हेन एन वन इक्वल्स टू एन टू इक्वल्स टू एन एंड द फोकल लेंथ इज एफ प्लस डेल्टा व्हेन एन वन इक्वल्स टू एन एंड एन टू इक्वल्स टू एन प्लस डेल्टा एन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें एक तो ये लेंस के दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ पे ये एन वन दे रखा है और ये एन टू दे रखा है। दूसरे में हमें दे रखा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है, सेम है, आर आर ले लिया हमने, ठीक है, और हमसे कहा गया कि जब एन वन इक्वल टू एन टू है और वो एन के इक्वल है तब इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ जो है, इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ है एफ। तो वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। हियर एफ वन की अगर हम बात करें तो वन बाई एफ वन कितना हो जाएगा, एन वन और एन टू दोनों सेम रखना है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन, ये एन माइनस वन इंटू वन बाई आर। सेकेंड सरफेस इनफाइनाइट का हो जाएगा, वन बाई एफ टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन माइनस वन और ये भी हो जाएगा वन बाई आर। यहाँ पे इन दोनों को रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा टू एन माइनस वन बाई आर। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई फोकल लेंथ के लिए। सेकेंड थिंग में हमसे कहा गया कि जब एन वन को एन ही रखते हैं लेकिन एन टू को एन प्लस डेल्टा एन करते हैं, एन वन को एन ही रखना है, एन वन को चेंज नहीं करना है, मतलब ये फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी और ये वाली फोकल लेंथ चेंज होगी, और इसके चेंज होने के साथ में नेट फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, एज वी हैव वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर, इसमें एन को चेंज नहीं किया है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और इसमें चेंज किया है एन को डी एन से तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एन वन का जीरो, और ये सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई है, हम क्या करते हैं इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन कर लेते हैं। इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन, सो डी एफ बाई एफ स्क्वायर से एफ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एफ बाई एफ, और यहाँ पे हम कर रहे हैं इक्वेशन टू डिवाइड बाई, तो डी एन और आर से आर कैंसिल और ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन। सो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, डी एफ बाई एफ इज इक्वल टू डी एन अपॉन टू एन माइनस वन विद नेगेटिव साइन। नाउ व्हाट, अब हमें एक और चीज़ दे रखी है कि एन जो है वन और टू के बीच में, अब हमें ऑप्शन पे फोकस करना है। ऑप्शन पे अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ एंड डेल्टा एन बाई एन रिमेन अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सरफेस आर रिप्लेस बाय द कॉनकेव सरफेस। वो कह रहा है कि अगर ये कॉन्वेक्स सरफेस को अगर हम कॉनकेव सरफेस से रिप्लेस कर लें, तो देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखने की बात कर रहा है विद द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस रिलेशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे इस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो रिलेशन है ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है पहली बात, और अगर यहाँ से स्टार्टिंग से चलेंगे तो माइनस इसका जो माइनस है इसके प्लस और इसका प्लस और इसका माइनस तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही कह दें कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो भी कह रहा है कि अनचेंज रहेगा, हम कहेंगे हाँ ठीक है अनचेंज रहेगा। सेकंड केस में हमसे कहा है कि एन इक्वल टू दिस डेल्टा एन ये एफ ये देन डेल्टा एफ कैलकुलेट करिए, तो डेल्टा एफ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम डेल्टा एफ ले लें मोड में, ये हो जाएगा डी एन इंटू एफ टू एन माइनस वन। यहाँ पे हमारे पास में देखिए डी एन एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 1.5, दैट इज डेल्टा एन कितना है, डेल्टा एन है 10^-3, एफ कितना है, एफ है 20 सेंटीमीटर, और डेल्टा एफ हमें कैलकुलेट करना है। ये सारी वैल्यू यहाँ रख के हम डेल्टा एफ कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास 0.02 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है, और अगर ये और ये हमें टू सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने को भी कहा है, तो ये 0.091 के अप्रोक्स रहेगा, तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है डेल्टा एन बाई एन इज लेस देन जीरो। थर्ड ऑप्शन में हमसे कहा है डेल्टा एन बाई एन इज लेस देन जीरो। अगर डेल्टा एन बाई एन लेस देन जीरो है, हम जानते हैं एन जो है वन और टू के बीच में जैसा हमें दिया है, और डेल्टा एन लेस देन जीरो कह रहा है, इसका मतलब ये लेस देन जीरो है बेसिकली, ये अगर लेस देन जीरो हो गया डेल्टा एन, तो डेल्टा एन के लेस देन जीरो होने से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी एफ बाई एफ जो आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो डी एफ बाई एफ ग्रेटर देन जीरो, तो हम कहेंगे कि ठीक है ये ऑप्शन भी सही है कि डेल्टा अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, ठीक है, तो ये जो है नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, डेल्टा एफ बाई एफ जो है ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में हमसे कहा गया है डेल्टा एफ बाई एफ, इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन से चलते हैं, डेल्टा एफ बाई एफ ये मान लेते हैं हमें कि हमें ये दिया हुआ है और ये सही है, मान लिया, अब हम इसमें डेल्टा एफ बाई एफ का वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास कितना है, यहाँ से डेल्टा एफ बाई एफ ले लेते हैं डी एन अपॉन ट्वाइस ऑफ एन माइनस वन, और इसको रख सकते हैं डी एन बाई एन, डी एन से डी एन कैंसिल,
n इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2n माइनस 2, सो इधर आ जाएगा n और ये आ जाएगा 2, सो n इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और जबकि हमारे पास यह है n जो है लेस देन 2 है, मतलब इस ऑप्शन को अगर हम ट्रू मानते हैं तो n की वैल्यू जो है हमारे रेंज के बाहर जाती है, इसलिए ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। सो फाइनली आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का दे रखा है, इसमें सर्किट हमें दे रखा है, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4, और 30 ओम, 70 ओम, 100 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, ओके। अब हमसे कहा गया है कि दोनों ही इनिशियली ओपन है, S1 और S2, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एट टी इक्वल्स 0 S1 इज क्लोज, इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। S1 को जब क्लोज करते हैं हम, इस S1 को यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, तो ये एक सर्किट बन जाएगा। इस सर्किट में इंस्टेंटेनियसली इनिशियली कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट बिहेव करता है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, और बैटरी कितनी लग रही है, 5 वोल्ट की बैटरी लग रही है, ये ओपन है, तो सारा का सारा करंट बाहर ही फ्लो होना है, और करंट बाहर फ्लो होना है, तो रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 70 + 30 + 100, टोटल 200 का रेजिस्टेंस है, ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस वन इज 25 mA, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड में कहा है कि इफ S1 इज केप्ट क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम सच दैट द कैपेसिटर आर फुली चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 वोल्ट। अब हमसे यहाँ पे P और Q पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, अच्छा बीच में से ओपन है तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम तो सिर्फ और इससे 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 बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब बात करें फुली चार्ज जब हो जाएगा, तो फुली चार्ज हो जाएगा तो देखिए तीनों कैपेसिटर सीरीज में, और तीनों कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, तीनों कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, C1 कितना दे रखा है, C1 दे रखा है हमें 10 माइक्रोफेरेड, ओके, और C3 और C4 दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड, ये भी 80 और ये भी 80, इसी 1/C इक्विवेलेंट अगर सीरीज में कैलकुलेट कर लें तो 1/10 + 1/80 + 1/80, ओके, यहाँ से C इक्विवेलेंट आ जाता है 8 माइक्रोफेरेड, ओके, 8 माइक्रोफेरेड जब आ जाता है तो ये जो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से जो Q प्रोवाइड होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V, सो 5 × 8, तो टोटल 40 माइक्रोकुलम का हो जाएगा। जब 40 माइक्रोकुलम का आ जाएगा टोटल चार्ज, तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 40 / 10, दैट इज 4 वोल्ट, ओके। सो यू सी, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन में भी यही कहा है कि S1 इज क्लोज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द कैपेसिटर आर फुली चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस अकॉन C1 इज दिस, तो C1 के अक्रॉस कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज 40 का है और 10 का ड्रॉप है, तो हमें ये भी करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की, तो ठीक है यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ये 80 है और इस पे 40 है, तो Q = CV से जब हम V निकालते हैं तो Q/C कर लेंगे, तो ये C और डिवाइड बाई दिस, तो Q/C कितना हो जाएगा, ये 1/2 का ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, 1/2 का ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, तो ये 5 था, 5 में से 1/2 ड्रॉप हो गया, तो ये 4.5 हो गया, ओके। और यहाँ पे भी फिर 4 का ड्रॉप हो जाएगा, और फिर बचेगा यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो ये देखिए 4.5 में से 4 का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, 0.5 रह जाएगा, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी इसके पैरेलल था, तो इतना ही आना था, ये पैरेलल में ये 4 वोल्ट ही आना था, तो ये गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन में कहा गया है कि S1 इज क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम एंड कैपेसिटर आर फुली चार्ज एंड S2 इज क्लोज एंड इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द 30 ओम रेजिस्टेंस। अब इसमें कह रखा है कि पहले ये क्लोज था और ये फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज होने के बाद में हम इसको भी क्लोज कर रहे हैं, तो जैसे ही इसको क्लोज करते हैं तो यहाँ तो 4 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये कैपेसिटर और ये बैटरी, ये टोटल भी इस पर 0.5 वोल्ट था, इस पर भी 0.5 वोल्ट था, और ये जो था 5 वोल्ट का था, तो ये भी 4 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, तो 4 वोल्ट की बैटरी इधर, 4 वोल्ट की बैटरी इधर और 10 की इधर, तो सर्किट हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक 4 वोल्ट की बैटरी और ये एक रेजिस्टेंस और ये बीच में एक कैपेसिटर जो है ये बीच में लगा रखा है और ये रेजिस्टेंस और ये, अच्छा इनिशियली जस्ट पूछा है तो ये कैपेसिटर शॉर्ट की तरह बिहेव कर जाएगा, और इधर एक 4 वोल्ट की बैटरी और ये एक रेजिस्टेंस 30 ओम का, यू सी ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 10 और ये 30 और ये 70। अब ये बिल्कुल एक KVL का सर्किट बन गया है, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कर सकते हैं हम, और यहाँ का करंट कैलकुलेट करके देना है, ठीक है ना, तो हम यहाँ का करंट मान लो, यहाँ से करंट आ गया, इधर I1 चला गया, इधर I-I1 चला गया, ठीक है I-I1, और तो इसमें एक लूप इसमें चला लें, यहाँ से I1 का जो वैल्यू निकल के आता है वो 0.079 आता है, जिसको 2 डिजिट में करने पे 0.08 हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो हमारे पास में फाइनली 2 ही ऑप्शन करेक्ट हैं, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
टू आइडेंटिकल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 10 ओम रेजिस्टेंस एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो देखो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उसको हम जी कह देते हैं और वो हमें दे रखा है 10 ओम, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को आई जी कह देते हैं, वो हमें दे रखा है 2 माइक्रो एम्पियर, 2 × 10⁻⁶ एम्पियर, ओके। और वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ 100 मिली वोल्ट एंड द अदर इज द एमीटर ऑफ द 1 मिली एम्पियर यूजिंग दिस, ओके। तो एक से तो हमने बनाया है कि वोल्ट मीटर और एक से बनाया हमने एमीटर। इससे जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे, ओके, तो ये एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वी वोल्ट का रेंज है, तो वी यहाँ से आई जी करंट आएगी, यहाँ से टोटल आई करंट आएगी, इसमें से आई जी इधर जाएगी, तो ये वोल्ट मीटर बनाया हमने, तो ये आई जी इंटू आर प्लस जी इज इक्वल टू व्हाट, वी, और वी इसकी रेंज है, और इसकी रेंज हमें दे रखी कितनी 100 मिली वोल्ट, तो 100 × 10⁻³, ओके। तो आर प्लस जी जो हो जाएगा वो जाएगा 100 × 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय आई जी, आई जी इज वॉट 2 × 10⁻⁶, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 10⁻¹, तो 10⁵/2, ये 10⁵/2 बेसिकली आर प्लस जी, आर प्लस जी इज वॉट, ये पूरा अब अपना गैलोन वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो गया, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 100 किलो ओम, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आ रहा है, सो दिस इज 100 / 2, ओके, सो 5, ओके, और 0000, ये इसका रेजिस्टेंस आ रहा है ओम में, तो 50 किलो ओम हो गया, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब हमसे कहा गया है कि इससे एमीटर भी बनाया था, तो एमीटर कैसे बनेगा, ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है, तो एक शंट लगा दिया हमने, और ये शंट ऐसे, यहाँ से करंट आएगी आई, इसमें से आई जी चली जाएगी गैल्वेनोमीटर में, इधर कितनी चली जाएगी आई माइनस आई जी, सो जी इंटू आई जी इक्वल टू एस आई माइनस आई जी, ओके। तो यहाँ से हम शंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो शंट इज इक्वल टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। अच्छा, जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू हमें 10 दे रखा था, आई जी कितना है, आई जी दे रखा था 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶, और आई माइनस आई जी, आई हमने जो है कितनी रेंज का बनाया है, 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ और -2 × 10⁻⁶। अब देखिए 10⁻³ के सामने हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, -6 को, इसको हटा दिया हमने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए, और ये जो है 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻, इसके साथ में मिलके 4 हो जाएंगे, ये दोनों मिलके जो इसके साथ कैंसिल आउट होंगे, हमें मिलेगा 2 × 10⁻², दैट इज 0.02 ओम, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट, ये शंट की वैल्यू है। अब अगर हम इस एमीटर का रेजिस्टेंस देखें तो एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, अब पैरेलल में है तो जो भी आएगा वो 0.02, मतलब कि इन दोनों में से जो मिनिमम है, ये तो भैया जी कितना था, जी था गैल्वेनोमीटर का 10 था, और ये कितना है 0.02, अब जो आएगा डेफिनेटली वो लेस देन होगा 0.02 से, ओके। तो हमसे कहा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी 0.02, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद में ये 0.02 नहीं आता है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, एक मिनट सॉल्व कर ही लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद में ये सॉल्व कर लें इसको, और ये जो है क्योंकि ये राउंड ऑफ में 2 डेसिमल में पूछा है ना, तो ये 0.02 से कम तो आता है, लेकिन क्या है कि 0.0 और 19 के अप्रोक्स आके ये 0.02 हो जाता है, तो ये 0.02 की वजह से ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेशन करके देख लें आप, इसमें कोई इशू नहीं। अब हमसे कहा है कि इस गैलन इस वोल्ट मीटर को और इस एमीटर को यूज किया गया है एक 100 ओम रेजिस्टेंस के साथ में, और ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एक 1000 ओम है, इस 1000 ओम के साथ में लेके चल रहे हैं, अब इसके साथ में एक बैटरी लगा दी, और इस बैटरी का एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, ये आइडल बैटरी नहीं है, और यहाँ एक एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये वो वोल्ट मीटर है जो हमको क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें मालूम, ठीक, और ये एमीटर है, और ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस जो था आर ए 0.02 राउंड डिजिट में, ठीक है। अब हमसे कहा है कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इफ द आइडियल सेल इज रिप्लेस्ड बाय अ सेल हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 5 ओम का रेजिस्टेंस है, देन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर विल बी मोर देन 1000 ओम, तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ द आर, ये जो है इसको मेजर करें, अच्छा इसको मेजर कैसे करना है, इसको मेजर करना है कि यहाँ का जो भी रीडिंग आएगा दैट इज वी, एंड दैट डिवाइड बाई यहाँ की जो भी रीडिंग आएगी दैट इज आई, ओके, तो
यहाँ की रीडिंग, यहाँ का ड्रॉप हो गया और ये करंट हो गई, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई हमारे पास में कि इसकी मेजर्ड वैल्यू ये है। और इस मेजर्ड वैल्यू के लिए V बाई आई कैलकुलेट करें तो हमने कहा कि ये जो आई करंट जा रहा था, इस पूरे का रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, ओके तो इस R1 पे ये इक्विवेलेंट पे ड्रॉप कितना होगा, ये हो जाएगा R1 इनटू I, और इसका करंट I है, I से I कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास R1 आ जाएगा। R1 कितना हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो किससे आएगा, ये तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 50,000, तो ये हो जाएगा आर वी इंटू आर अपॉन आर वी प्लस आर, इसको सॉल्व करके देख लेंगे ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये जो लेस आती है और ये आती है अप्रोक्स 980.2 के पास में, जो कि इसके बीच में लाई करती है ठीक है ना, मेजर वैल्यू। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये कह रहा है कि मोर देन 1000 आएगा, नहीं ये 980 आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस तरह से इसके दो आंसर जाएंगे 3 और 4। यार उस क्वेश्चन में क्या एक थीटा चेंज हो गया क्या यार? इट्स मी भगवत सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। इससे पहले कुछ क्वेश्चन राठौर सर ने डिस्कस कराए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कैपिलरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको दो एडजस्टमेंट दे रखे हैं, केस वन के अंदर टी टू ऊपर है, टी वन नीचे है, केस वन टू के अंदर टी वन ऊपर है, टी टू नीचे है। इस केस के लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है, जैसे टी वन के लिए आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो दे रखा है और टी वन यहाँ पर है तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 degree है और टी टू का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है 60 degree। कैपिलिटी का हम जानते हैं कि इसके अंदर सरफेस टेंशन लगता है और सरफेस टेंशन के कारण इसके अंदर कैपिलिटी राइज होता है, एंड वो तब तक राइज होता है जब तक कि लिक्विड को बैलेंस नहीं कर ले, तो लेट इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण फोर्स टी इंटू डी एल ऐसे लगेगा, ये इस लिक्विड को बैलेंस करेगा। लेट इस लेवल से ये हाइट एच है, तो सिर्फ ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है वो इसको बैलेंस कर पाएगा। यहाँ से अपन इक्वेशन लिखे तो दैट इज 2 2 पाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इस एम जी को लिख सकते हैं रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। नाउ इससे अपना हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा 2 t cos theta r rho g। नाउ ये जो हाइट है वो इस लेवल से ऊपर है, इन केस यदि अपन इसे कैलकुलेट करते हैं और हाइट है कैलकुलेट से ज़्यादा आ जाती है तो वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, बिकॉज यहाँ पर अपने एम जी को बैलेंस करना होता है। और उस केस के अंदर क्या होगा, इनका बीच का जो दो इंटरफेरेंस है वहाँ पर जाकर एडजस्ट हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। अब अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फॉर केस टू, केस टू ये, अब केस टू के अंदर टी टू नीचे है तो पहले अपन देख लेते हैं टी टू कहाँ तक उसको ऊपर लेकर जाएगा। तो मैं टी टू के लिए सॉल्व करता हूँ, एच इज इक्वल टू 2 t cos 60 / r rho g। ये जो आंसर आ रहा है इसको वैल्यू पुट करने पर वो आंसर आ रहा है 3.75। एंड आपको गिवन है कि इसका जॉइंट है वो 5 cm एबो है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है जॉइंट तक जा ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ये अपना पहला आंसर राइट हो गया। नाउ अपन केस सेकंड के डिस्कस कर लेते हैं। फॉर केस फर्स्ट, नाउ केस फर्स्ट के अंदर टी वन नीचे है तो पहले अपन देखते हैं टी वन कितने लेंथ को बैलेंस कर पाएगा। तो वापस वही अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस इस बार अपन को चेंज ये करना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टी वन का जो है 0 है, सो इसको मैं कॉस 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये इसका 2 times आएगा, ये आ जाएगा 7.5। नाउ ये आ रहा है 7.5 और कैपिलरी ट्यूब 5 cm एबो रखी हुई है, इसका मतलब ये जो है 7.5 को बैलेंस कर पाएगा जबकि ये कितना है सिर्फ 5। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो टी वन है उसकी लेंथ कम पड़ रही है, और अपने पहले बोला हुआ है कि यदि लेंथ कम पड़ रही है तो ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर बैलेंस होता है वो वेट होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले केस के अंदर जो लिक्विड है वो सिर्फ इस तक जा पाएगा, मतलब इंटरफेरेंस तक जा पाएगा, और फिर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अपने आप ही चेंज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर दो इंटरफेरेंस बन रहे हैं। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। थर्ड केस, वापस अपन इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि वाटर लेवल से वो 8 cm एबो है, और यदि 8 cm एबो है और अपने कैलकुलेट किया था 7.5, इसका मतलब ये सेट हो जाएगा, ये बैलेंस कर लेगा उसको, तो ये राइट हो गया। फोर्थ, फोर्थ बोला है करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वाटर
columnarized in the tube due to the weight of water contained in the meniscus will be different for both cases. यहाँ both cases का मतलब है T1 and T2 कि T1 के अंदर और T2 के अंदर height का जो difference रहेगा उसके अंदर जो वो correction रहेगा वो different रहेगा. तो ऐसा क्यों रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा वो देखते हैं. देखो आपको पता है कि एक के अंदर contact angle बन रहा है वो zero बन रहा है. इसका मतलब ये होगा कि जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो बन रहा है उसका ये ऐसे हेमिस्फीयर टाइप बनेगा. तो ये जो है वो करेक्शन है. जबकि दूसरा है उसके अंदर पूरा हेमिस्फीयर नहीं बन रहा है, एंगल ऑफ जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ पर सिर्फ वाटर का जो वेट है वो इतना आएगा. तो दोनों में डिफरेंट वेट आएगा क्योंकि एक के अंदर हेमिस्फीयर बन रहा था, एक में फुल हेमिस्फीयर नहीं बन रहा है. इसका मतलब ये फोर्थ पे राइट है. तो आंसर हो गया वन, थर्ड एंड फोर्थ. नेक्स्ट ये यूनिट एंड डायमेंशन है. इसमें कुछ बोल रखा है कि अपन नया सिस्टम एज्यूम करना है इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस. मतलब एम है दैट इज ए डायमेंशनलेस एंड नेक्स्ट बोला है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर वो भी डायमेंशनलेस है. अब एम ऑलरेडी पहले डायमेंशनलेस आ गया, इसका मतलब वी आर के बारे में बोल रहे हैं दैट इज ए डायमेंशनलेस. If length has a dimension of L, अब जो length है वो dimension उसका L देर given है तो अपन लिख सकते हैं V L is equal to M naught. यहाँ पर V है S by T, मतलब length upon T L is equal to M naught. तो यहाँ से आपको T का जो dimension है वो आ गया L square. मतलब अपने पास T का dimension है, अपने पास L का dimension है, L का डायमेंशन और अपने पास M का डायमेंशन है दैट इज M नॉट. अब इसके बेसिस पर अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ पावर. तो अपन को पता है पावर का जो डायमेंशन होता है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है M L स्क्वायर T माइनस टू डिवाइड बाई T. M डायमेंशन लेस है पहले गिवन है, L का डायमेंशन L स्क्वायर ये हो गया T क्यूब. T किसके बराबर है L स्क्वायर के, तो ये हो गया L स्क्वायर दैट इज L की पावर 6 दैट इज L की पावर माइनस 4. इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग. नेक्स्ट अपन इसी टाइप से सॉल्व करते हैं फोर्स का. तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है M L स्क्वायर M L T माइनस 2 दैट इज M ऑलरेडी डायमेंशन लेस है, L का डायमेंशन L दे रखा है, टी स्क्वायर T स्क्वायर का भी आपको डायमेंशन दे रखा है. T स्क्वायर किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, L की पावर 4 से, तो दैट इज L की पावर माइनस 3. ये राइट हो गया. नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ एनर्जी. अपन एनर्जी को सीधा लिख सकते हैं, एनर्जी होता है F F इंटू L. फोर्स का डायमेंशन अपने ऑलरेडी निकाल दिया था L माइनस 3 इंटू L दैट इज L माइनस 2. इसका मतलब ये भी सही है. एंड डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एम वी. तो V का डायमेंशन ऑलरेडी अपन पहले निकाल चुके हैं, V का डायमेंशन है L माइनस 1 और मोमेंटम होता है M इंटू V. M डायमेंशन लेस है, V का डायमेंशन L माइनस 1. इसका मतलब ये भी राइट है. सो आंसर इज 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट ये EMF का क्वेश्चन है. ये इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बार गिवन है. जो वायर है, वायर का जो शेप है पैराबोलिक टाइप दे रखा है दैट इज ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बी है वो वाई के साथ वेरी कर रहा है और बी का जो लिखा हुआ है दैट इज ए बी नॉट वन प्लस वाई की पावर बीटा एल की पावर बीटा. ये गिवन है और आपको गिवन है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी नॉट आई कैप. मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो अपन यदि इसका सॉल्व करें, जैसे ये वायर है, ये जो लेंथ है L, इसका मैं दो कंपोनेंट ले लूंगा. ये आएगा डी एल साइन थीटा, यहाँ सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ इसको डी वाई, और ये जो आएगा वो आएगा डी एक्स. इसके अंदर जो ई एम एफ इंड्यूज होगा वो सिर्फ डी वाई के कारण होगा, या ये मैं बोल सकता हूँ कि ई एम एफ प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ वाई के प्रोजेक्शन के कारण होगा.
तो मैं सिर्फ वाई का प्रोजेक्शन ले रहा हूं। इसके कारण यदि मैं डी फाई लिखता हूं तो डी फाई है बी वी इंटू डी एल। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं मिटाता हूं। नाउ बी की जगह मैं लिख लेता हूं बी नॉट, वी नॉट वन प्लस वाई की पावर बीटा एल की पावर बीटा इंटू डी वाई, क्योंकि डी एल कौन सा लेंगे अपन, जो वाई प्रोजेक्शन है वो। नाउ अपन को टोटल फाइंड करना है, अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बी नॉट वी नॉट इंटीग्रेशन डी वाई प्लस वाई की पावर बीटा एल की पावर बीटा डी वाई का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आपको जो लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पर एल दे रखा है, एक बार मैं जीरो से वाई तक ही ले लूँगा इसको, या फिर जीरो से एल तक, लिमिट जीरो टू एल। इसको सॉल्व करने पर दिट इज बी वी नॉट, इसका सीधा सीधा जाएगा एल प्लस इसका इंटीग्रेशन वाई बीटा प्लस वन डिवाइड बाय बीटा प्लस वन एल की पावर बीटा, इसको वाई रहने देते हैं, इट इज एल जीरो। अब आपको इसमें से दो ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और एक बार यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। आप जैसे ही बीटा का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा वाई एल की, मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ एक बार यहाँ पर, इट इज बी वी नॉट एल प्लस एल की पावर बीटा प्लस वन डिवाइड बाय बीटा प्लस वन, एल बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ से रह गया एल। यहाँ से मुझे एक ऑप्शन डायरेक्टली मिल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, ये डायरेक्ट राइट हो गया। अब आप बीटा का वैल्यू अलग सब्स्टिट्यूट करोगे, बीटा का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये राइट हो जाएगा, बीटा का वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अपन बात करते हैं, ये डिस्कशन कर लेते हैं। ये इसमें बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज प्रोजेक्टेड रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर वाई इज इक्वल टू एक्स इनिशियली ऑफ लेंथ 12। ये बोलना चाह रहा है कि ये जो वायर था इसकी जगह मैं ऐसे कर दूं, एंगल आपको 45 दे रखा है क्योंकि ये आपको लाइन दे रखी है वाई इज इक्वल टू एक्स और इसकी लेंथ है रूट 2L। तो अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इसका प्रोजेक्शन देखना है, इसका प्रोजेक्शन वाई में कितना आ रहा है एल, तो ये आंसर वापस राइट हो जाएगा क्योंकि पहले भी एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था।